तो हम लोग ना अभी सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर के जितने भी केसेस हैं वो पढ़ने वाले हैं, मतलब बीमारियां पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग अभी क्रोमोसोम तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बीमारियां। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहली बीमारी जो हमें पढ़नी है उसका नाम है हीमोफीलिया। देखो आप लोग हीमो समझ गए, हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। क्या होता है? ब्लड। हीमो ऑलवेज स्टैंड फॉर ब्लड होता है, यानी ये ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले, इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो पहले आप मुझे बताओ इस लाइन से आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ आया सर, सेक्स लिंक इसका मतलब इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है, माने सेक्स क्रोमोसोम पर। रिसेसिव है मतलब जब तक दो जीन्स नहीं आएगी बंदा बीमार पड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज हीमोफीलिया, हमारा सवाल अभी ये है, ठीक है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये समझने से पहले आपको जरा मैं आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म समझा दूं, आपकी बॉडी कैसे खून जमाती है आपका। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म सबने पढ़ा होगा, क्लॉटिंग माने हमारे खून जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर आप कभी कट मारते हैं अपने हाथ पे आपका खून जम जाता थोड़ी देर बाद, जो अच्छी बात है, आपका ब्लड लॉस होने से रोकने का काम करते हैं। कहते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है एक कैस्केड मैकेनिज्म है। अब ये कैस्केड मैकेनिज्म आदों को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझने के लिए आप जरा ये समझ लीजिए कि आपने, मान लीजिए आपने 12 ईंटें जो है लगा रखी है लाइन के अंदर, ठीक है। कितनी ईंटें? 12 लगा रखी है, ईंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे आपने खड़े करके लगा रखी है, और लास्ट वाली ईंट के नीचे एक स्विच लगा हुआ है, और जैसी वो ईंट स्विच पे गिरती है स्विच ऑन होता है और बल्ब वहां से स्टार्ट हो जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये, अगर मैं पहली ईंट को गिराता हूँ, मान लीजिए मेरी फर्स्ट ईंट है, इसको गिराता हूँ, तो ये दूसरी को गिराएगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, और ऐसे करते करते जो लास्ट की 12वीं या 13वीं है, जो भी आप लास्ट की मान लीजिए, लास्ट वाली ईंट जैसे ही गिरेगी बल्ब ऑन हो जाएगा ना। यानी आपने लास्ट वाली ईंट को टच तो नहीं किया ना, आपने सिर्फ पहली वाली को टच किया था। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पर एक चैन चैन चली है, एक ने गिराया दूसरे को, दूसरे ने गिराया तीसरे को, तीसरे ने गिराया चौथे को, चौथे ने गिराया पांचवे को, और पूरी चैन में प्रोसेस चला है, एंड में जाके जो भी स्विच ऑन होना था हो गया। जैसे यहाँ पर ये सीन है, इसी तरह का आपकी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी होता है। आपकी बॉडी में ये मान लीजिए क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है, दिस इज क्लॉटिंग फैक्टर। कहते हैं 12 से लेकर 13 आपके पास पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 ने मान लीजिए 2 को एक्टिवेट किया, 2 ने किसको एक्टिवेट किया, 3 को एक्टिवेट किया, 3 ने किसको किया, 4 को किया, 4 ने किसको किया, 5 को किया, 5 ने किसको किया, 6 को किया। जस्ट लाइक आपने ईंट गिराई दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे अपना गिराई है ना, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के नंबर है। और मान लीजिए इसने 7 को एक्टिवेट किया, इसने 8 को बोला, इसने 9 को बोला, और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, फाइनली आपको याद है आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको आप फिब्रिनोजन कहते हो, और ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट जैसे ही फिब्रिन में होता है तो फिब्रिन क्या करता है, जहां पर भी आपके घाव हुआ था ये उस घाव में ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना देगा जिससे कि आपका ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ लास्ट वाला स्टेप पता होता है, हमें पता ही नहीं इसके पहले भी चैन चल रही होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये प्रोसेस चैन में चल रहा है कि नहीं चल रहा? और बायोलॉजी सीधा बोलती है अगर कोई भी प्रोसेस चैन में चलती है तो चैन में होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म। अब बताओ क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैस्केड मैकेनिज्म है या नहीं है? अगर मैं यहां से फैक्टर नंबर 8 हटा दूं, मान लीजिए हटाता हूं ये वाला, क्या क्लॉटिंग हो पाएगी? नहीं सर, चैन कंप्लीट ही नहीं हो पाई। अगर मैं इन 12 से 13 ईंटों में एक ईंट बीच की निकाल दूं तो आगे वो लास्ट ईंट गिर नहीं सकती, क्योंकि बीच वाली मिस हो तो बीच वाली किसी दूसरे को गिरा नहीं पाएगी, गैप आ गया ना बीच में।
तो जब किसी चैन प्रोसेस में बीच में से आप एक भी निकाल दो ना, चैन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और चैन कंप्लीट नहीं तो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। और इस हीमोफीलिया में यही होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर इनमें बनते ही नहीं है, यानी इस बीमारी में क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर देर इज नो क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यानी यहां पर क्लॉटिंग मैकेनिज्म फिर होगा ही नहीं। और अब आप मुझे बताइए, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे नहीं है, बस बीच के एक आध नहीं होते सर। कौन से नहीं होते? फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11, इन तीन में से कोई भी एक नहीं हो सकता है। आमतौर पे हम 8 वाले की बात करते हैं, इन तीन में से कोई एक नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में क्या देखा जाता है, कुछ लोगों का ऐसा हीमोफीलिया निकलता है जिनके पास फैक्टर नंबर 8 नहीं होता, कुछ के पास 9 नहीं होता, कुछ के पास 11 नहीं होता। तो इसी बेस पे था क्या कर दिया उन लोगों ने, टाइप बना दिए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, इसी के ऊपर बनाया। बट खैर हम उसको इतना नहीं जाते, हम सिंपल बोलते हैं सर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सब क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर अगर यहां से निकल जाए तो चैन कंप्लीट नहीं हो पाती है, और चैन कंप्लीट ना हो पाने की वजह से क्लॉटिंग हो नहीं पाता है। और क्लॉटिंग अगर नहीं होगी तो मुझे बताइए क्या होगा, एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, हाँ कि ना, यानी लगातार खून निकलता, इनका खून रुकेगा ही नहीं। और क्योंकि इसमें लगातार ब्लड बॉडी के बाहर निकलता रहता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ब्लीडर्स डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। और इसमें क्योंकि ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ज्यादा ब्लड बॉडी के बाहर निकल जाने से इस इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जिनको हीमोफीलिया होता है ना, उनमें अगर हल्का सा भी कट लग गया तो उसका से छोड़ते नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर जैसे भी है पट्टी जो भी बांधेगा रोकेगा, लेकिन क्योंकि तो अगर नहीं रोकेगा तो उसकी बॉडी तो रुकने से रही, और अगर ब्लड निकलता रहा तो पर्सन की क्या है, डेथ कंफर्म। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, हीमोफीलिया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है, यानी इट इज ओनली सीन इन मेल, फीमेल में कभी मिलता ही नहीं है, ओनली सीन इन मेल। अबे यही हंसी तुम्हारी खुश, अभी रोने बदलने वाली है, 2 मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है आई बताता हूँ मैं। ओनली सीन इन, सिर्फ मेल में मिलती है। और ये जो बीमारी है इसका एक नाम भी दिया गया है, नाम सुनोगे इसका, इसका नाम है रॉयल्स डिजीज। एक सबसे गरीब घराने में ये बीमारी देखी गई थी, और बताता हूँ मैं आपको कहाँ देखी गई थी। आप लोगों ने सुना सुना होगा, एक बेचारी बेचारी है क्वीन विक्टोरिया, जानते हो क्वीन विक्टोरिया, क्वीन ना समझ जाओ क्या होगा सिवास। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले हमने हीमोफीलिया देखा, मतलब हीमोफीलिया दुनिया में सबसे पहले जहां हमने देखा, किसकी फैमिली थी, क्वीन विक्टोरिया। आधो का सवाल सर, अभी तो आपने कहा मेल में होता है, क्वीन विक्टोरिया में कैसे होगा, तो फीमेल है। मैंने कब कहा क्वीन विक्टोरिया में, मैंने कहा उसकी फैमिली में देखा गया, यानी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में जितने भी मेल्स थे उनमें देखा गया, उन मेल्स में ज्यादातर मेल्स के पास क्या देखा गया, हीमोफीलिया पाया गया। तो सबसे पहला हमने ये बीमारी कहाँ देखी थी, क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में, तभी से नाम क्या पड़ गया, रॉयल, खानदानी बीमारी है जी, महंगी बीमारी लेके चल रहे हैं। इतना हुआ अभी, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, सुन पूरा। अच्छा ये तो पता लग गया आपको हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक ऐसी डिसऑर्डर है, जो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून जमता नहीं है, खून लगातार बहता रहता है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि क्लॉटिंग यानी जो कैस्केड मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग का, उस मैकेनिज्म में से कुछ फैक्टर नहीं होते जिससे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है और ब्लड नहीं जमता है। जनरली ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, ओनली इन मेल्स, फीमेल में देखने को ये नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूँ, पहले सुन लीजिए इसको लेके केस क्या क्या होते हैं। मेल और फीमेल में थोड़े से डिफरेंस है सेक्स क्रोमोसोम में, अगर आपको याद हो, मैं आपको छोटी सी कहानी समझाता हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक होते हैं मेरी तरह और एक होते हैं मान के चलिए जो आजकल वो निब्बा निब्बी टाइप होते हैं ना, जिनकी एक गर्लफ्रेंड होती है एक बाकी जितनी होती हो। अब मान के चल लीजिए कि अभी पर इनकी कहानी रहते हैं, मान लीजिए मैं हूं और ये कोई दूसरा है प्रेमी जोड़ा, ठीक है, इसके भाई इसके भी आंख नाक है। हाँ, अब बात क्या है कि मान के चल लीजिए कि मैं अगर किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ और मुझे कोई शर्ट पसंद आई है तो मैं चुपचाप उसे खरीद लूंगा, मैं ज्यादा किसी से पूछने नहीं वाला क्योंकि मेरे को पसंद है, मैं ले लूंगा। इनके केस में अलग सीन होता है। मान लो ये गया अकेले शॉपिंग करने गया, इसको शर्ट पसंद आई। अब इनकी जो प्रजाति होती है, इन ब्रीड को पहचानना बड़ा आसान होता है, ये तुरंत पहले फोटो क्लिक करेंगे और भेजेंगे, बताओ जी पसंद आ रहा है क्या, ले लें क्या। अगली कहेगी नहीं तो नहीं, नहीं ले सकता क्योंकि मैडम ने मना कर दिया। अब मान लो कोई कपड़ा इसको ही पसंद नहीं आया, उसको पसंद आ गया तो फोटो भेजेगा ही नहीं उसको। यानी इनके केस में अगर इनको एक चीज लेनी है तो दोनों की परमिशन चाहिए, हाँ या ना। किसी एक के डिसीजन से कपड़ा तो या कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है, कुछ भी चाहिए तो सिंगल है भैया, हमारा डिसीजन ही हमारे लिए 100% डिसीजन। देखो यहाँ पे मेरा डिसीजन इज 100%, बट यहाँ पे इनका डिसीजन 50 एंड 50। जब तक दोनों का मिलके 100 नहीं होगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा। एग्री और नॉट? ऐसा ही सेम केस होता है हमारे क्रोमोसोम्स के साथ। आपको याद हो तो मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्स और वाई होमोलोगस नहीं है, अलग अलग है। यानी मेल के पास सिर्फ कितने एक्स क्रोमोसोम है, ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में एक एक्स ये एक एक्स ये, यहां पे कोई जीन अगर प्रेजेंट है तो उसकी एक कॉपी सामने भी प्रेजेंट होती है, याद है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन होते हैं, जिनके पास जीन्स की अरेंजमेंट डिट्टो सेम होती है। तो अगर मान लीजिए इसके पास कोई जीन है, इसके पास नहीं, ये कह रहा मैं जा रहा हूं एक्सप्रेस करने, कहते हो बात सुन हम भी है ना, यानी हम पेयर में, और अगर हम जोड़ीदार हैं तो सिंगल एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हाँ या ना भाई, दोनों जोड़ीदार है ना। तो यहां पे रिजल्ट क्या कोई एक डिसाइड कर सकता है, जोड़ीदार में दोनों की रजामंदी चाहिए। ये क्या था, मैं तो करेक्टर शो करूंगा, कह रहा मैं नहीं कर रहा, क्यों, मेरे पास जीन नहीं है। तो जहां पे पेयर है, जहां पे कपल है, वहां पे दोनों का डिसीजन मैटर करता है। और मेल की बात करें, बेचारे के पास एक तो एक्स क्रोमोसोम है, इसमें अगर कोई जीन आ जाए, ये कहता है मुझे तो एक्सप्रेस करना है, तो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसको किसी और से पूछने की जरूरत तो है ही नहीं, हाँ कि ना। यानी मेल के पास अगर एक जीन हो, फीमेल के पास एक जीन हो, तो फीमेल उस जीन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मेल कर सकता है क्योंकि मेल के पास का कोई जोड़ीदार थोड़ी ही है। इसमें जितने डिसीजन लेने हैं वो खुद अकेला लेगा, उसमें अकेला नहीं, उसमें दोनों के डिसीजन जरूरी हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना, जब फीमेल को हीमोफीलिया होता है तो दोनों एक्स पे क्या पाई जाती है, हीमोफीलिया की जीन। XX का मतलब हुआ एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग हीमोफीलिक जीन, ठीक है। यानी अगर ये कंडीशन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, हीमोफीलिक फीमेल। और अगर मान लीजिए कंडीशन हो जाए ये वाली XHY, तो ये केस क्या होगा, हीमोफिलिक मेल, क्योंकि XY हो तो मेल होगा ना। XH का मतलब होता है ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसके पास हीमोफीलिया के जीन पाए जाए, उसे क्या बोलेंगे, XH। अब ट्विस्ट तो भैया यहां आता है कि XH और X ये कंडीशन आ जाए, ये फीमेल की कंडीशन है, बताइए इस फीमेल को हीमोफीलिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसके पास पेयर है ना। देखो मेल के पास पेयर नहीं है, मेल के पास पेयर नहीं, तो मेल में क्या है, ये सिंगल एक्स बादशाह है, जो चाहेगा वो कर। लेकिन फीमेल में जैसे ही एक एक्स चाहना, चार एक में एक्सप्रेस करूं तो सब बोलो सुन ले, हम भी है साथ में, हम पेयर में है, उसका मत देख, वो तो अकेला है, वो तो जो चाहे कर ले, लेकिन हम पेयर में है। हमारे केस में दोनों का डिसीजन मैटर करता है। इसीलिए जब फीमेल में एक एक्स एच होता है, फीमेल बीमार नहीं पड़ती और मेल बीमार पड़ जाता है। और
ये फीमेल बीमारी तो उसको हो सकती है, देखो रिसेसिव बीमारी है, रिसेसिव साफ बोलते जब तक दो जीन नहीं आएगी बीमार नहीं, आपको बीमार नहीं करेंगे, हाँ कि ना। और ये लाइन मेल पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर मेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते फिर मेल इस कंडीशन में बीमार नहीं पड़ता। तो आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बीमारी रिसेसिव है तो इस फीमेल को बीमारी तो होने से रही, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कैरियर फीमेल। क्या बोलूंगा अब सुनना, क्यों बोलूंगा, ये जो फीमेल है ये आप लोगों के जैसी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं यहां तो सोचो सर नहीं, देखो ना 50% क्रोमोसोम पे तो जीन है ही ना, इसको थोड़ी बहुत तो बीमारी होगी, इसको कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सातवें क्रोमोसोम और प्रेजेंट है, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर एक में हाँ और एक में ना है तो भैया ना है, दोनों पे होना जरूरी है, इनसे कुछ नहीं हुआ। ऐसी फीमेल जिसको कोई बीमारी ना हो लेकिन स्टिल बीमारी की जीन कैरी कर रही है, बीमारी का सामान लेकर चल रही है, तो ऐसी फीमेल को क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल। मैं पहले बता रहा हूं इनको बीमारी रत्ती भर भी नहीं है, जितने आप नॉर्मल हो आपसे ज्यादा नॉर्मल होगी ये, बट कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई बीमारी की जीन थोड़ी है, इसके पास है। तो ऐसी नॉर्मल फीमेल जो बीमारी के जीन रख के घूम रहे, उसको क्या बुलाएंगे आज के बाद, कैरियर फीमेल, ठीक है। और अगर मैं एक केस दिखाऊं एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल मेल है ना। अच्छा एक सवाल पूछूं, क्या मेल में कैरियर बन सकता है, मेल पे जीना बीमार ना पड़े, असंभव, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, आके ना एक भी जीन आ गई भैया बीमार है तू, क्योंकि मेल के पास एक्स का होमोलोगस नहीं है। मैंने क्या बोला, सारी कहानी कहाँ टकती रही है, पेयर और सिंगल पे टक रही है ना। अगर इसका भी पेयर होता तब यहाँ पे दोनों की रजामंदी जरूरी होती ना, सिंगल में क्या जरूरत है किसी की परमिशन की, कोई नीड नहीं है। क्या ये पहले क्लियर है कि फीमेल के पास एक जीन आई बीमार नहीं पड़ी, मेल क्यों पड़ गया, किस पे हाथ बीमार पड़ जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, नहीं हुआ है। आप सुनना, ये बीमारी इतनी खतरनाक है आप ये समझ लीजिए, अगर किसी को एक चक्कू मारा जाए किसी को दो मारा जाए, दो वाला जल्दी मरेगा ना, एक वाला शायद बच भी जाए, दो वाला थोड़ी बचेगा, क्योंकि दो में जो जो डैमेज है वो टू टाइम्स हुआ है। सोचो मेल वाले को बेचारे को एक जीन मिली तो इतनी तबाही बॉडी में आ गई उसके, और फीमेल को अगर ये हो जाए तो ये, अब फीमेल में कितनी जीन चाहिए, दो जीन, मेल में कितनी चाहिए, एक, यानी फीमेल के केस में बीमारी टू टाइम्स ज्यादा डेंजरस हो गई, इतनी डेंजरस हो गई कि नेचर में हीमोफिलिक फीमेल भी बनती है, हीमोफिलिक मेल भी बनते हैं, लेकिन इन फीमेल की डेथ हो जाती है बिफोर बर्थ, और ये मरते नहीं है, तो ये क्या है, इसके सर्वाइवर है ये। एक्चुअली मेल इसलिए मिलते हैं क्योंकि मेल बच जाते हैं, और सारी हीमोफिलिक मेल फीमेल पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए आपको हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलती। देख ब्लड डिजीज है, ब्लड डिजीज के अंदर, अब ब्लड हमारी बॉडी का एक मेन कॉम्पोनेंट है पूरी बॉडी को ऑल ओवर न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, ब्लड की कभी कोई डिजीज आया डेथ के चांस तो ऑलमोस्ट पूरे कंफर्म हो जाते हैं। मेल में ब्लड डिजीज आया ठीक है, मेल से ज्यादा अफेक्ट क्या हुए, फीमेल टू टाइम्स हुई, दैट मीन डिजीज और ज्यादा फीमेल के केस में क्या हो गई, डेंजरस हो गई, और ब्लड डिजीज है तो चांसेस क्या है डेथ के, मतलब शुरू में नहीं मरेंगे फीमेल, मतलब कई बार क्या होता है बच्ची जन्म ले जाती है लेकिन उसके कुछ दिनों में मर जाती है। तो मोस्टली ये है कि नहीं कट की जरूरत नहीं है भाई, ब्लड डिजीज है ना, तो ब्लड डिजीज से पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि फीमेल और मेल दोनों बनते हैं, लेकिन फीमेल की क्या हो जाती है डेथ, बचता कौन है, मेल, इसीलिए आपको हमेशा ये केस किस में मिलेंगे, सिर्फ मेल में मिलेंगे। मैं आपसे एक मजे की बात और पूछता हूँ, पहली बात तो नेचर में दोनों बन सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन नेचर में ज्यादा केस बनते ही हीमोफिलिक मेल के हैं, हीमोफिलिक फीमेल के कम बनते हैं। ऐसा है अगर 1000 हीमोफिलिक मेल बनेंगे तो तब जाके कहीं एक हीमोफिलिक फीमेल बन सकती है और वो भी मर जाती है, यानी नेचर ने मेल को ही बनाना ज्यादा पसंद करा, क्यों, रीजन क्या है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाइए, मेल को हीमोफीलिया एक्स एच और वाई, हाँ के ना, मेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम अपनी मम्मी से लेता है, फादर से तो नहीं लेता कभी भी मेल, तो मान लीजिए ये एक्स इसको कहाँ से मिला होगा, इसकी मम्मी से मिला होगा, अब मम्मी के पास कंडीशन होगी एक्स एच और एक्स, क्योंकि एक्स एच संभव नहीं है क्योंकि फीमेल मिलती नहीं केसेस की, कौन मिलते हैं,
या तो कैरिड मिलेंगे या नॉर्मल फीमेल मिलेगी। और फादर इसके कैसे होंगे? नॉर्मल, हाँ कि ना, फादर नॉर्मल होंगे चलेगा, हीमोफिलिक होंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक लड़के को हीमोफिलिक होने के लिए क्या चाहिए? उसके पापा नॉर्मल हो या हीमोफिलिक हो तो भी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि फादर से क्या लेगा, ये वाई लेगा, एक्स पे जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है इसको। और इसकी मम्मी को क्या हो? कैरियर। अब एक बार जरा फीमेल के केस में देखना, फीमेल को हीमोफीलिया होने के लिए XH और XH चाहिए, हाँ कि ना, जिसमें से एक एक्स वो अपने फादर से लेगी और एक एक्स अपनी मदर से लेगी। फादर से XH कब आएगा? जब फादर क्या होगा? हीमोफिलिक, तभी तो आएगा ना एक XH यहाँ ऐसे। और मदर से कब आएगा? जब मदर क्या होगी? कैरियर, हाँ कि ना, तभी तो संभव है। अच्छा ये मेरे को आप ये बताइए कि ऐसे कपल की शादी होना कितना संभव है कि दोनों के पास हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट हो, मेल हीमोफीलिक और फीमेल के पास फीमेल कैरियर है। और ऐसे के मतलब मान के चलिए केस वन एंड केस टू के नॉर्मल लड़का है, उसकी शादी ऐसी लड़की से जो कि कैरियर निकल गई, केस वन, केस टू कि दोनों के पास हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट है, नेचर में कौन सा केस ज्यादा पॉसिबल आपके हिसाब से? रैंडमली वन का केस ज्यादा पॉसिबल है ना, ये केस ज्यादा पॉसिबल कि किसी में से पेरेंट में से किसी एक के पास जीन प्रेजेंट हो, ये ज्यादा कॉमन है। दोनों के पास प्रेजेंट हो ये तो बहुत रेयर केस है ना, हाँ के ना। यानी मेल इसलिए ज्यादा मिलते हैं, मतलब मेल इस अच्छा मेल इसलिए ही मिलते हैं, पहली बात तो फीमेल के सर्वाइवल के चांस नहीं है। दूसरा रीजन, फीमेल को होने के लिए उसके दोनों पेरेंट के पास हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट होनी चाहिए और मेल को होने के लिए सिर्फ मम्मी के पास एक जीन चाहिए। तो दोनों में से कौन सा केस पॉसिबल है? एक पेरेंट के पास जीन का होना। एंड तीसरा केस, मेल को हीमोफीलिया होने के लिए एक जीन चाहिए और फीमेल को होने के लिए दो जीन चाहिए, मैथमेटिक्स के हिसाब से किसके चांस सबसे ज्यादा है? एक जीन्स आने के, हाँ के ना। तो इन तीन रीजन से मेल के केस हमेशा आपको ज्यादा बनते हुए ही दिखेंगे, फीमेल के केस बनते ही कम है और जो बनते वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हर रीजन से मेल को ही जो है इस बीमारी में लाया गया, तो इसीलिए आपको हमेशा इस ये केस किस में मिलते हैं? मेल में। आप पता लगा मेल में क्यों मिलते हैं, फीमेल सर्वाइव ही नहीं करती। भाई इतना पहले क्लियर हो गया बीमारी क्या है, और हीमोफीलिया जिनको होता है ना भाई, उनका अलग ही सीन होता है, उनको तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत सेंसिटिव रखा जाता है उनको, कि गलती से भी खरोच लग गई ना उनके क्या, नहीं जेनेटिक है भाई, एक बार बच्चा पैदा हो पूरी जिंदगी ठीक नहीं होगा, अभी अब वैसे ही रहेगा, जो प्रॉब्लम उसमें होगी वो, हाँ चांसेस है। तभी तो बोलते हैं ये एक एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कराया जाता है, जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले टेस्ट कराते हैं एमनियोसिंथेसिस, जिससे हम पता करते हैं बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर है तो हम बच्चे के पैदा होने से पहले ठीक कर देते हैं, क्योंकि एक बार पैदा हो गया तब ठीक नहीं कर सकते, पहले ठीक कर सकते हैं, पहले संभव है। लेकिन वही है ना कि आजकल इतनी लोगों में नॉलेज है ही कहाँ कि वो पहले करा लें, उनका होता है देखा जाएगा जी, फिर होता फिर देखा नहीं जाता। तो कई बार क्या होता है, मान चलो कि आप ठीक नहीं कर सकते, तो उसमें कहते हैं अबॉर्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। पता है क्यों अबॉर्शन कहते हैं? सर मारना गलत है, बिल्कुल गलत है यार, लेकिन आप सोच के देखो वो आएगा, अभी आप उसको एक बार दर्द दोगे, लेकिन जब वो आएगा तो वो डेली दर्द में रहेगा ना, जब तक रहेगा तब तक दर्द में रहेगा, इवन आपका भी लगाव हो जाता है उससे, तो फिर वो लगाव भी दिक्कत देता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार दिल में पत्थर रख के आप उसको अबॉर्ट कर दो, क्योंकि बेचारा पूरी जिंदगी फिर सफर करेगा वरना।